ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਸ ਬਸ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਕਰਵਾ ਕੋਈ ਵੈਲਕਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ तरफ से सबको वेलकम करता हूँ। परेशानी पर शर्त ये शरायत साड़ी ये है कि जेड़ा स्कीमों के तहत लाए और जो भी अपने किसानों की इधर समस्या है उनका और नहीं नहीं देखो जड़ी पहले एक स्कीम दसी से वो दसी है के लिए एक हमारा ये जम्मू में केनिंग सेंटर है। मिनिस्टर का चार्ज पकड़ने के बाद मेरा जो सबसे पहला फंक्शन था वो हमारे किसान भाइयों के साथ जुड़ा था। मैं अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बाकी एलाइड डिपार्टमेंट जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाए थे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसल्स और हमारे पंचेस और पंचेस जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर यहाँ पर आए और ख़ास तौर से हमारे किसान भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बहुत दूर दूर इलाकों से यहाँ पर आए। मुझे बहुत खुशी है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं उसकी ग्राउंड लेवल पे पेनिट्रेशन हो रही है। जैसे कि मैंने अपने एड्रेस पे भी कहा कि ये जो ट्रिपल पी कॉन्सेप्ट है ये हर जगह बहुत कामयाब रहा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस फार्मर जो है अगर वो कोई चीज़ एक रुपये की नहीं खरीद सकता अगर 50 पैसे में उसको मिल जाती है हाफ प्राइस पे तो इससे अच्छी स्कीम नहीं हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसी तरह के किसान मेनू का फ्यूचर में भी इसको ऑर्गेनाइज करेगा और कोशिश करेगा कि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट हो।